हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं योर ओपिनियंस फॉर जॉब। इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज 31 मई है, मई का लास्ट डे, और जून का फर्स्ट वीक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट वीक का जो भी इम्पोर्टेंट जॉब्स अपडेट निकल कर आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें करीबन 15 विभागों को इंक्लूड किया गया है और 15 विभागों से 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके लिए कितनी वैकेंसीज निकल कर आ रही है, चाहे आप टेक्निकल से बिलोंग करते हो या नॉन टेक्निकल से, चाहे आप मेल हो या फीमेल्स हो, सभी के लिए इसमें जॉब्स अपडेट लिए गए हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन ऐसी जॉब्स है जो आपके लिए सूटेबल से है और आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। इसकी फुल डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, साथ साथ आपको डायरेक्ट लिंक और PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और वीडियो से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, उन्हें भी बताइए। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो पहली अपडेट निकल कर आ रही है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें आपको 6 पोस्टेज देखने को मिल रही है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है। लास्ट डेट 20 जून 2020 है। अप्लीकेशन फ़ी 200 रुपीज़ है जनरल और OBC के लिए और अदर्स फ्री है। सैलरीज की बात कर ले तो 24,400 पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसमें आपको 25 पोस्ट देखने को मिलेगी असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर LDC और STNO के लिए। एलिजिबिलिटी इसमें जो रखा गया है 10+2 और डिग्री वाले एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट की बात कर ले तो 27, 30 और 35 ईयर रखा गया, अर्थात LDC और STNO के लिए 27, 30 जो है असिस्टेंट के लिए है, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर्स के लिए 35 है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिल जाएगी। लास्ट डेट की बात कर ले तो 6 जून 2020 है। अप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ जनरल OBC के लिए, अदर्स के लिए 250 रुपीज़। सैलरी आपको 20,000 से 50,000 प्लस पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड की तरफ से, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री वाले इसके लिए एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट 27 ईयर्स और लास्ट डेट 7 जून 2020 है। एप्लीकेशन फ़ी फ्री है और सैलरी आपको 35,000 पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च CIMFR की तरफ से, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकल कर आ रही है, इसके लिए डिप्लोमा और डिग्री वाले एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट की बात कर ले तो 28 ईयर्स रखा गया है। वहीं लास्ट डेट की हम बात करते हैं तो लास्ट डेट 27 जुलाई 2020 है। अप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है जनरल एंड OBC के लिए और अदर्स फ्री है। सैलरी आपको 35 प्लस के आसपास मिल जाएगी। नेक्स्ट हम वही बात करते हैं जो आर डिफेंस DRDO की तरफ से, जिसमें आपको साइंटिस्ट के लिए 185 पोस्ट देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी इसमें BE/BTECH MTECH और MSc वाले एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट 28 ईयर्स और लास्ट डेट 10 जुलाई 2020 है। अप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ जनरल एंड OBC के लिए एंड अदर्स फ्री है। सैलरी आपको 60,000 प्लस पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आ रही है सेंट्रल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसमें आपको जो पोस्ट दिखने के मिल रही है असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर्स एंड अदर, इसके लिए जो पोस्टेज निकल कर आ रही है 2100 प्लस पोस्टेज देखने को आपको मिलेगी। एलिजिबिलिटी की बात कर ले 10 डिग्री एंड PG वाले एलिजिबल्स हैं, जिसमें 10th के लिए बहुत ज़्यादा सीटें हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा। एज लिमिट की बात कर ले तो 40 ईयर्स रखा गया है और लास्ट डेट 25 जून 2020 है। अप्लीकेशन फीस में कोई नहीं है, अर्थात फ्री है और सैलरी 17,000 से 45,000 प्लस पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी, अर्थात एज पर पोस्ट वैरी कर रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसमें 600 पोस्टेज निकल कर आ रही है ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए एंड अकाउंटेंट और डाटा ऑपरेटर्स के लिए भी है। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो ITI डिप्लोमा और 10+2 वाले एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट 24 ईयर और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको मिल जाएगी। लास्ट डेट की हम बात कर ले तो 21 जून 2020 है और अप्लीकेशन फ़ी फ्री है। सैलरी एज पर अप्रेंटिसशिप रूल आपको मिल जाएगी।
वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं जो अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जिसमें 25 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्टेज देखने को मिल रही है। इसमें वो बीटेक जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं वही एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट 27 ईयर और लास्ट डेट 3 जुलाई 2020 है और अप्लीकेशन फी 150 रुपीज़, जेंडर और OBC और अदर्स फ्री है। सैलरी की बात कर लें तो 40,000 प्लस पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाएगी। वहीं हम नेक्स्ट बात कर लें इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ गोवा अर्थात IIT गोवा की तरफ से 11 सीटें देखने को मिल रही है, जिसमें जूनियर सीनियर सुप्रीडेंट सुप्रीडेंटल इंजीनियर जूनियर असिस्टेंट टेक्निकल सुप्रीडेंट, जिसमें ग्रुप ए बी और सी के रिगार्डिंग आपको पोस्टेज देखने को मिलेगी। लिमिटी की बात कर ले बी बी टेक एम टेक एम एस सी एंड अदर डिग्री वाले एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट्स 27 से लेकर 32 कर बहरी कर रहा है और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको मिल जाएगी। लास्ट डेट की हम बात कर ले तो 30 जून 2020 है और अप्लीकेशन फी 500, 200, 100 रुपीज़, जिसमें ग्रुप ए के लिए 5, ग्रुप बी के लिए 2 और ग्रुप सी के लिए 100 रुपीज़, जनरल और OBC के लिए अदर्स के लिए फ्री है। सैलरी आपको 35 to 1 lakh पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगी। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं जो आ रही है BCIL ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया के तरफ से। 464 MTS की सीटें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 8 पास एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट की बात कर ले 35 ईयर्स है और लास्ट डेट 15 जून 2020 है। अप्लीकेशन फीस जनरल और OBC के लिए 500 एंड अदर्स के लिए 200 रुपीज़ है, 250 रुपीज़, एंड सैलरी आपको 16,341 रुपीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रही है, जिसमें 800 कुछ पोस्टेज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें TGT टेक्नीशियंस रेडियोग्राफर स्टेनो इंस्ट्रक्टर इंजीनियर्स एंड अदर्स के लिए है, जिसमें लिमिटेड 10+2 ITI डिप्लोमा BTEC और अदर डिग्री वाले एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट की बात कर ले तो 27 to 40 ईयर्स अर्थात एज पर पोस्ट वेरी कर रहा है। लास्ट डेट 5 जून 2020 है और अप्लीकेशन फी 360 रुपीज़ जनरल और OBC एंड अदर के लिए 120 रुपीज़ है और सैलरी एज पर पोस्ट वेरी करेगा। वही हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कर्नाटका स्टेट पुलिस सर्विस की तरफ से आ रही है, जिसमें आपको 2672 स्पेशल रिजर्व पुलिस कांस्टेबल एंड बैंडसन के लिए मिलेगी, जिसमें आपको मैट्रिक पास एलिजिबल्स है। एज लिमिट की बात कर ले तो 25 ईयर्स और लास्ट डेट 15 जून 2020 है। अप्लीकेशन पे 250 रुपीज़, जेंडर रोल OBC एंड अदर्स के लिए 100 रुपीज़ है। सैलरी 27,000 पर मंथ के हिसाब से इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटका से ही आ रही है, जिसमें 1449 आर्म पुलिस कांस्टेबल और 2565 KSP सिविल पुलिस कांस्टेबल, जिसमें मैट्रिक पास आर्म पुलिस फोर्स के लिए और KSP सिविल पुलिस के लिए 12th पास एलिजिबल्स है। एज लिमिट की बात कर ले 25 ईयर्स है और लास्ट डेट 25 जून है। अप्लीकेशन फी 250 रुपीज़, जनरल और OBC और अदर्स के लिए 100 रुपीज़, सैलरी 27 to 30 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटका से ही आ रही है, जिसमें 162 SI RSI SRSI और PSI के लिए देखने को मिलेगी, जिसमें NEET डिग्री वाले एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट 26 ईयर्स और लास्ट डेट 26 जून है। अप्लीकेशन फी 250 रुपीज़, जनरल और OBC के लिए और अदर के लिए 100 रुपीज़ है। सैलरी 30,000 प्लस पर मंथ के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। तो यही कुछ अपडेट थी और हम उम्मीद है आपके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।